हेलो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड 2020 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि यूपी बोर्ड 2020 की कॉपी कब चेक होगी और इसका रिजल्ट कब आएगा। तो अगर आप भी क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड 2020 की कॉपी लॉकडाउन के बाद चेक होगी। अब इसका रिजल्ट कब आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 25 अप्रैल से ना होकर लॉकडाउन के बाद होगा। जैसा कि आपको पता है कि 25 अप्रैल से कॉपी चेक होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब ये 25 अप्रैल से चेक ना होकर, देखिए, यूपी बोर्ड मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट को रिजल्ट के लिए जून के तीसरे सप्ताह या चौथे सप्ताह तक इंतजार करना होगा। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपने बोर्ड एग्जाम दिया है तो आपको जून के तीसरे या चौथे सप्ताह तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि इसी में आपका रिजल्ट आएगा। इससे पहले 17 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 25 अप्रैल को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए थे। यानी कि उन्होंने कहा था कि 25 अप्रैल से कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उनकी इच्छा थी कि जल्द मूल्यांकन कराकर परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम प्रदेश के 275 केंद्रों पर 3,10,00,000 से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन होना है। इसके कारण दोगुना समय लगने का अनुमान है, यानी कि बहुत ज़्यादा कापियां हैं जिसके कारण दोगुना समय लगने का अनुमान है। ऐसे में रिजल्ट जून के दूसरे सप्ताह से पहले आना मुश्किल है, यानी कि जून के तीसरे या फिर चौथे सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है यूपी बोर्ड का। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले रिजल्ट आना मुश्किल है और इसके बाद भी आ सकता है, यानी कि जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये न्यूज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो कि बोर्ड एग्जाम जिसने दिया है, आप उसके साथ इस न्यूज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि उसे भी ये जानकारी हो सके। थैंक यू।